पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियां, मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने का इल्जाम, नैब ने पेशी पर आए साबिक वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान को गिरफ्तार कर लिया। नैब ने स्कैंडल में मुलविस मुजाहिद कामरान के 5 साथियों को भी हिरासत में ले लिया। डॉक्टर औरंगजेब आलमगीर, डॉक्टर लियाकत अली, डॉक्टर कामरान जाहिद, डॉक्टर रास मसूद और अमीन अतहर शामिल। 5 मुलजिमान बतौर रजिस्ट्रार तायुनात रहे और गैर कानूनी भर्तियों में किरदार अदा किया। नवाज शाद बेजाब्तगियां, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के सवाबदीदी इख्तियारात की तहकीकात, वजीर आजम डिवेलपमेंट प्रोग्राम का स्पेशल ऑडिट शुरू। नवाज शरीफ के हुक्म पर 2016 से 2018 तक 58 मंसूबा जात का आगाज किया गया। तरक्याती काम लाहौर के कौमी असम्बली के मनपसंद हल्कों में करवाए गए। ऑडिट ऑफिसर ने रिकॉर्ड के लिए डीपा को खत लिख दिया। पंजाब पुलिस कल्चर की तब्दीली, काम शुरू होने से पहले ही ठप। चेयरमैन पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन नासिर दुर्रानी के इस्तीफे के बाद इस्लाहाती प्रोग्राम को भी शदीद धचका। सरबराह के जाने के बाद उनकी टीम ने भी आना छोड़ दिया। पुलिस इस्लाहात कमीशन के दफ्तर को ताले लगा दिए गए। नासिर दुर्रानी के साथ दीगर अफसरान में DIG राय ताहिर और शहजादा सुल्तान शामिल थे। SSP नजीबुर रहमान और शहजाद आसिफ खान और SP शुएब अशरफ भी थे। IG पंजाब हुकूमत के कौन से अहकामात नहीं मान रहे? पहले ताहिर खान की बतौर IG तायुनाती के दौरान रूल्स क्यों नहीं देखा गया? IG पंजाब की ट्रांसफर पर हुकूमत ने सियासी मुदाखलत की। हुकूमत कानून और आइन से बालातर होकर अपनी ख्वाहिशात के ताबे इकदामात उठा रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी खिलाफ कानून है। भारतीय जासूस कृष्ण कोट लखपत सेंट्रल जेल में चल बसा। 63 साल भारतीय जासूस 12 साल से जेल में था। पुलिस ने लाश को जिना अस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। सरकारी इदारे भी सरकार के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। लेस्को का नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन, 6 थानों समेत 15 सरकारी इदारों के कनेक्शन मुनकता कर दिए। थाना जनूबी छावनी, थाना शुमाली छावनी, कोट लखपत जेल, म्यूनिसिपल कमेटी, अजीज भट्टी टाउन समेत दीगर इदारे भी शामिल। पानी जाया करने वाले सर्विस स्टेशंस के खिलाफ घेरा तंग। सर्विस स्टेशन को सरकारी पानी फराहम न करने का फैसला। वासा ने 293 स्टेशन में से 283 स्टेशन के कनेक्शन मुनकता कर दिए। गाड़ियां धोने के लिए 2 माह में जदीद मशीनरी नस्ब करने और जाती पंप लगाने की हिदायत। सर्विस स्टेशन से 1 क्यूसक पानी के एवज माहाना 1 लाख रुपए बिल वसूल करने का फैसला। 1 गाड़ी धोने के लिए 100 लीटर पानी इस्तेमाल करने की इजाजत। पानी महफूज करने के लिए इकदामात, पंजाब भर के पार्क्स और ग्राउंड्स को सड़क के लेवल से नीचे करने का हुक्म। पानी का लेवल खतरनाक हद तक नीचे जा रहा है। पानी को महफूज करने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जाएं। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स, DGPHA नाहिद गुल अदालत में पेश। इमरान खान कहते थे IMF से कर्जा लेना पड़ा तो खुदकुशी कर लूंगा। नियाजी साहब, आपका झूठ खुलकर आवाम के सामने आ चुका। कत्ल की दियत देकर जान छुड़ाने वाले को वजीर आला पंजाब बना दिया। लोगों की जमीनों पर कब्जा करने वाला सीनियर वजीर है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अरबों रुपए का डाका डाला। हमजा शहबाज का टोके वाला चौक शादबाग में जलसे से खिताब, बोले शहबाज शरीफ ने ईमानदारी से कौम की खिदमत की। इलेक्शन जीत कर पैगाम देना है, हम आज भी नवाज शरीफ के साथ हैं। उम्मीदवार शाहिद खाकान अब्बासी, मुजतबा शुजाउर रहमान ने भी खिताब किया। NA 124 पैराशूट कॉलोनी में PTI उम्मीदवार गुलाम मोहियुद्दीन दीवान के एजाज में कॉर्नर मीटिंग, कारकुनान की जानिब से पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। कॉर्नर मीटिंग में कारकुनान की भी कसीर तादाद में शिरकत।
जितना मर्जी बदनाम कर लें, लोगों के दिलों से नवाज शरीफ की मोहब्बत नहीं जा सकती। हमारा काम और मिशन है आईन की हुक्मरानी करना और झूठे हुक्मरानों से आवाम को निजात दिलाना। ये कैसा नया पाकिस्तान है, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई। इमरान खान ने नफरत के बीज बोए और अब नफरत ही काटना पड़ेगी। NA 131 से लीगी उम्मीदवार ख्वाजा साद रफीक का मदीना कॉलोनी में खिताब, कहते हैं इस हलके से मेरा रिश्ता तोड़ा नहीं जा सकता। कब्जा ग्रुप साद रफीक NA 131 में आकर काबिज हो गया। शेर का दौर खत्म हो चुका, अब बल्ले का दौर चलेगा। शेर पर जो ठप्पा लगेगा वो वोट जाया हो जाएगा। PTI उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान का रहमत चौक मदीना कॉलोनी में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, कहते हैं 14 अक्टूबर को साद रफीक को भी सुनामी बहा कर ले जाएगी। मुल्क की तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानी अपना वोट कास्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के हवाले से जरूरी हिदायत जारी कर दी। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वेबसाइट पर उर्दू और इंग्लिश में तफसीलात फराहम कर दी। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में सूबाई काबीना के इजलास मुनाक़िद करने का फैसला। वज़ीरे आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेरे सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में 3 घंटे तवील इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम से मुतालिक तबादला ख्याल, वज़ीरे आला कहते हैं तालीम, सेहत और पीने के साफ पानी की फराहमी तरजीहात हैं। जनूबी पंजाब और कम तरक्की याफ्ता इलाकों के आवाम को उनका हक देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही और सरबरा काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन से नॉर्वे के सफीर की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़्म। नॉर्वे के सफीर कहते हैं खित्ते में पाकिस्तान को बड़ा मुकाम हासिल है, सिफारती सतह पर भी बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। लाहौर न्यूज़ की खबर पर LDA को होश आ गया, शहर में गैर कानूनी स्कीमों के खिलाफ शिकंजा तैयार। DG LDA का रिहायशी स्कीमों की जांच पड़ताल का हुक्म, स्क्रूटनी कमेटी तश्कील। कमेटी मंजूर शुदा जेरे कार्रवाई और गैर कानूनी स्कीमों की स्क्रूटनी करेगी, खिलाफ वर्जियों पर कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। सिविल एविएशन अथॉरिटी में अंधेर नगरी, चौपट राज। पार्लियामेंट से बगैर मंजूरी महकमे में सर्विस रूल्स नाफिज करने का इंकशाफ। सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर, सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर की पोस्टें तख्लीक की गईं। सर्विस रूल्स 2014 की मंजूरी एविएशन बोर्ड से ली गई, सैनेट से मंजूरी लेना जरूरी नहीं। साबिक डायरेक्टर HR सुमैर सैयद की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का हुकूमत को IMF ना जाने का मशवरा, हुकूमत पॉलिसियों की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई। ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं ले रहे जबकि बल्दियाती इंतखाब भरपूर तरीके से लड़ेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होने से 300 अरब रुपए डूब गए, सरमायाकार बाहर जाने के लिए परतोल रहे हैं, सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इम्तिहानात में ड्यूटी देने वाले असातिज़ा के लिए भी खजाना खाली, हुकूमत ने पैक को 1 करोड़ रुपए अदायगी के लिए दिखाई लाल झंडी। प्राइमरी और मिडिल के इम्तिहानात में ड्यूटी और पर्चे चेक करने वाले असातिज़ा 1 साल से मुआवजों से महरूम। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन का कहना है ज़िमनी बजट में मंजूरी हुई मगर पैसे मिले नहीं, फंड्स रिलीज होने पर अदायगियाँ कर देंगे। महकमा एक्साइज के स्मार्ट कार्ड मंसूबे में ताखिर का इंकशाफ, ताखिर के बायस रजिस्ट्रेशन बुक का स्टीकर की किल्लत पैदा हो गई। शहर में 5,000 से ज्यादा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन ताखिर का शिकार, एक्साइज हुकाम ने शहरियों के साथ टाल मटोल करना शुरू कर दी। मंशा बम फरार, पुलिस बेबस। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुलजिम हाथ ना आया, पुलिस ने मंशा बम और उसके बेटों की गिरफ्तारी के लिए हसास इदारों से मदद मांग ली। मंशा बम के बैरून मुल्क फरार होने का खदशा, अदम पेशी पर मॉडल टाउन के चहरी ने मंशा बम और उसके बेटों के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
रायबन रोड जिया बग्गा के करीब तेज रफ्तार डंपर की मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर, हादसे में दो अफराद जान बहक, तीन जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीमों ने जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फिरोजपुर रोड पर मजांग के करीब ओवरलोडेड ट्रक उलट गया, हादसा ट्रक का एक्सल टूटने के बाद पेश आया, हादसे में ड्राइवर समेत दो अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कहना में शहरी ने चालान होने पर मोटरसाइकिल को आग लगा दी, खैरात नामी शहरी को पकड़कर मकामी पुलिस के हवाले कर दिया गया। सीटीओ कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। लाहौर के मास्टर प्लान पर नजरसानी के लिए नेस्पाक हेडक्वार्टर्स में इजलास, एलडीए के दायरा एकार को लाहौर डिवीजन की हद तक तौसी दे दी गई। डीजी एलडीए कहती हैं मास्टर प्लान को अपडेट करने के लिए स्टेक होल्डर्स की तजावीज का खैर मकदम किया जाएगा। मिशन क्लीन लाहौर, बाबू साबू और बंबा झुगियां में 580 कनाल जरई जमीन बागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। मोता सिंह में 24 कनाल पार्क की कब्जा शुदा अराजी बागुजार करवा ली गई। टीम पर हमला करने और क्रेन के शीशे तोड़ने पर 5 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। 13 अरब 73 करोड़ रुपए की 1349 कनाल अराजी बागुजार, जिला इंतजामिया ने सरकारी अराजी बागुजार कराने की रिपोर्ट जारी कर दी। खवातीन को बाहुनर बनाने के लिए आई केयर और अमरीकी कौंसल जनरल की मुश्तरका कोशिश, ब्यूटिशन कोर्स मुकम्मल करने वाली लड़कियों में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। अमरीकी कौंसल जनरल कहती हैं खवातीन की खुद इन्हसारी पर बहुत खुशी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज में मुजाकरे और सेमिनार का अहतमाम, मुकर्ररीन ने दुनिया की बदलती सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और समाजी जिम्मेदारियों पर लेक्चर्स दिए। वीसी तलत नसीर पाशा ने शुराका में शील्ड्स भी तकसीम की। सर्च फॉर जस्टिस इदारे के जेर अहतमाम लड़कियों के आलमी दिन पर तकरीब, कौमी असम्बली की रुकन रुखसाना नवीद, सूबाई असम्बली से रिफत वईद, मुसारत जमशेद, सादिया सुहेल समेत दीगर ने खसूसी शिरकत की। और खेलों की सरगर्मियां, नौजवानों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इंतहाई जरूरी, नेश्तर पार्क जिमनेजियम में नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप की इफ्तताही तकरीब। सेक्रेटरी पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन अदरीस खाजा कहते हैं इस तरह के टूर्नामेंट ज्यादा से ज्यादा मुनाकिद होने चाहिए।